हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो 26 तारीख को जो बिहार एसटीईटी का कंप्यूटर पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। दोस्तों एक एक कर पढ़ूंगा उसका जवाब, और दोस्तों इनका पेपर था वो लोग भी देखें, जिनका पेपर नहीं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फाइनल कट ऑफ पे क्या होने वाला है, जो इवेंचुअली जो कट ऑफ आएगा वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों इस दो दिन से मैं अवेलेबल नहीं था, इस कारण से थोड़ा सा वीडियो आने में देर हो गया। बहुत सारे लोगों ने इमेजेस भेजे हैं अपने क्वेश्चंस के, और ये जो इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अंजलि सिन्हा ने भेजे हैं, तो उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक यू है, आपका शुक्रिया कि आपने हाई क्वालिटी इमेजेस भेजे जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते क्या करके मैं सवाल को पढ़ूंगा और उसके बाद नीचे उसका जो भी जवाब होगा दोस्तों उसको भी मैं बताता जाऊंगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो कन्फ्यूजिंग सवाल हैं तो उसको ही मैं बोलता जाऊंगा कि इस पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो हैं वो कॉपीड हैं कहीं ना कहीं से, तो अगर सवाल वहाँ पर गलत लिखा हुआ था उसका ऑप्शन तो यहाँ पर भी इन लोगों ने वैसे ही कर दिया है। तो पहला सवाल है दोस्तों, राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड, इसका सही जवाब होगा 51 का सी, ओपन द शॉर्टकट लिस्ट, ठीक है, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट सारा उधर से खुल जाता है। दूसरे सवाल पर चलेंगे, 52वां सवाल है, ग्रेटर देन इक्वल इज एन ऑपरेटर, 52 का डी सही जवाब होगा। 53वां सवाल आपके सामने है, अभी इसको थोड़ा मैं मूव कर लेता हूँ। 53वां सवाल है द ऑटो करेक्ट टूल, ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा अपने साइड पर थोड़ा क्वालिटी के वीडियो क्वालिटी को ठीक कीजिए, 360 तक ले जाइए तो आपको सही दिखेगा, साफ दिखेगा, क्योंकि लो रेजोल्यूशन में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑटो करेक्ट टूल जो होता है दोस्तों, वो अगर आप एमएस वर्ड की बात करें तो वहाँ पर वो ग्रामर को भी ठीक करता है और स्पेलिंग को भी ठीक करता है, वो दोनों की चीज़ होता है। अगर आप सी ऑप्शन को देखें तो ग्रामर की बात हो रही है, डी ऑप्शन में स्पेलिंग की बात हो रही है, पर जो सवाल है ऑटो करेक्ट टूल, वो अगर जब भी हम ऑटो करेक्ट टूल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारी जहन में आती है, हमारी सोच में आती है, वो आती है स्पेलिंग का, क्योंकि ग्रामेटिकली लोग करेक्ट करने का इतना कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से 53 का डी सही जवाब है, जिन लोगों ने डी सही लगाया, क्योंकि ऊपर में एमएस वर्ड की बात भी नहीं हो रही है, एमएस वर्ड के बाहर भी बहुत सारे ऑटो करेक्ट टूल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा, तो 53 का डी सही जवाब है। हालांकि ये कन्फ्यूजिंग सवाल था, इस तरह के सवाल नहीं डालना चाहिए था। 54वें सवाल पर हम लोग चलेंगे, एक क्लास में कौन सा इनकैप्सुलेट किया जाता है, सही जवाब है फंक्शन एंड डेटा, बी, 54 का बी सही जवाब है। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे दोस्तों, जो कि 55वां सवाल है, आपके फ्रेम में आ जाएगा अभी, ये आ गया, टू डिस्प्ले हाइपरलिंक इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस, हाइपरलिंक को डिस्प्ले करना है, नन ऑफ दीज आंसर है, मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, 55 का डी, मैंने सभी शॉर्टकट प्रेस करके भी देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 55 का डी सही जवाब होगा। 56 का सवाल है कि विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, अगर आपने सभी वीडियोस पुरानी देखी होंगी तो इसमें इस तरह के जो टॉपिक्स थे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का होता है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। 56 का सी सही जवाब है, इंटीजर। 57वां सवाल आप है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है टू कट और कॉपी टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट, बी सही जवाब होगा दोस्तों, फर्स्ट हाईलाइट द कॉपी और कट, ठीक है, ये सेट डी है, 26 तारीख का जो पेपर हुआ उसमें ये सेट डी का है क्वेश्चन, ये 57वां सवाल है सेट डी का। 58वें सवाल पे हम लोग चलेंगे, अभी आपके सामने आएगा, ये आपके सामने है 58वां सवाल, विच इज करेक्ट फॉर इनहेरिटेंस डेटा टू प्रोग्राम, 58 का डी सही जवाब। द कमांड क्रॉस रेफरेंस इज अवेलेबल इन, दैट इज अवेलेबल इन, जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, 59 का डी, टूल मेनू, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को लिख करके इसके क्वेश्चन के आगे एग्जाम वेदा लिख के गूगल पे टाइप इंटर कर दें तो आपको जवाब मिल जाएगा, वैसे 59 का डी। 60वां सवाल है, 60th क्वेश्चन, कॉलम और फील्ड ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ये डैम श्योर है दोस्तों, 60 का सी सही जवाब होगा, एट्रीब्यूट। 61वां सवाल है, ये फिर से इन्होंने कन्फ्यूजिंग सवाल डाला, इज ए बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, अगर बेसिक डेटा टाइप का डेफिनेशन देखें तो उसमें इंटीजर भी होता है, बुलियन भी होता है, पर अगर आप बेसिक का भी बेसिक देखें तो वो बुलियन होगा, क्योंकि बुलियन सिर्फ ऑन ऑफ पे काम करता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 61 का सी सही जवाब है।
दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर जो मैं जवाब दे रहा हूं, हो सकता है 100 क्वेश्चन में से 2-3 सवाल ऐसे होंगे जिसे आप एग्री ना करें, पर आपका अपना ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी लोग भी देखेंगे, वो लोग भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि सवाल कन्फ्यूजिंग है, ये कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसमें सही या गलत होता है, तीसरा कुछ नहीं होता है। 62वां सवाल है, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। सही जवाब है स्लाइडर टाइमिंग ए, ठीक है, हालांकि स्लाइड टाइमिंग होता है, स्लाइडर टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन वही जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 62 का ए सही जवाब है। 63वां सवाल है, वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेस इनसाइड ए मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड लोकल, 63 का डी। 64वां सवाल है, विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, ए सही जवाब है 64 का ए। सभी सवाल एग्जाम वेदा पर हैं ऑलरेडी। 65वां सवाल है जी, टू स्टोर कैरेक्टर और टेक्स्ट डेटा वी नीड स्ट्रिंग वेरिएबल, 65 का बी सही जवाब है। हम एक स्लाइड शो, हाउ कैन वी स्टॉप ए स्लाइड शो, उसके लिए स्केप प्रेस करना पड़ता है, 66 का सी सही जवाब है। 67वां क्वेश्चन है आपके फ्रेम में, पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस, डी सही जवाब होगा, ऑल अबव। 68वां सवाल है, द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व्ड बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम टूल्स, 68 का ए। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को भी आप कन्फर्म करने के लिए सवाल टाइप करें, एग्जाम वेदा लिखें, आंसर आपको मिल जाएगा गूगल से। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग प्राइमरी की बैंक कस्टमर टेबल, ठीक है, बैंक में प्राइमरी की बात हो रही है, UID नहीं डालना चाहिए था मेरे हिसाब से ऑप्शन में, वैसे इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से अकाउंट नंबर, क्योंकि बैंक में जो आमतौर पर जो काम होता है दोस्तों वो अकाउंट नंबर के थ्रू ही होता है, सारा पैसा जमा कराना निकालना, क्योंकि अगर यूनिक नहीं रहेगा अकाउंट नंबर तो किसी का पैसा किसी और के पास पहुंच जाएगा। पिछली बार इन लोगों ने स्कूल में एडमिशन की बात की पर वहां पर लोग कंफ्यूज हो गया, काफ़ी लोगों ने UID डाल दिया, ठीक है, लेकिन इस बार तो अकाउंट नंबर ही आमतौर पर बैंक में यूज़ होता है, और 69 का सी सही जवाब है मेरे हिसाब से, लेकिन इस तरह का सवाल, इस तरह का ऑप्शन नहीं डालना चाहिए था। 70वां सवाल है, पावर पॉइंट स्लाइड कैन हैव डी, एनी ऑफ दीज। 71वां सवाल है, इसको फ्रेम में लाते हैं, यू कैन ऑटो फिल द विड्थ ऑफ ए कॉलम बाई सी, 71 का सी, डबल क्लिक, बिल्कुल बॉटम पे देखिए, 71 का सी सही जवाब है, डबल क्लिकिंग द कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। ठीक है, हम लोग 72वें सवाल पे चलेंगे, एमएस एक्सेल प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट वैल्यू, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1, ये क्वेश्चन है 72वां और इसका जवाब है बी। 73वां सवाल है जी, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल विल, क्या करेगा ये फिल डाउन द सिलेक्शन करेगा, 73 का सी सही जवाब है। 74वां सवाल है, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर इज इन एक्सेल, इसका क्या काम है, इसका सही जवाब है दोस्तों, फिल द सिलेक्शन विद द एक्टिव सेल्स टू द राइट, 74 का सी। 75वां सवाल आपके सामने आएगा अभी, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली व्हेन, इसका एग्जाम वेदा पर अगर आप देखें तो जवाब दिया हुआ है मेनी शीट्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेल पे काम नहीं किया, मेरे जैसे लोगों ने, तो बोलना मुश्किल होता है प्रैक्टिकली, लेकिन मेनी शीट्स आर सिलेक्टेड, ऐसा वहाँ पर आंसर दिया हुआ है। 76वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड इन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स, टाइम सही जवाब दिया हुआ है दोस्तों, 76 का डी सही जवाब है। 77वें सवाल पे हम लोग चलेंगे, 77th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट की स्पेशल कमांड, सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, 77 का डी सही जवाब है। 78वां सवाल आपके सामने आ गया, पेस्ट स्पेशल अलाउ सम ऑपरेशंस व्हाइल यू कैन पेस्ट टू न्यू सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, इसका 78 का डी सही जवाब है दोस्तों।
अब हम लोग 79वें सवाल पे चलेंगे। आपके स्क्रीन पर है 79वां सवाल। एडिट डिलीट कमांड क्या करेगा? ये सिलेक्टेड सेल को ही डिलीट करेगा। डी सही जवाब होगा। 80वां सवाल है। 80वां सवाल, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू, क्या इशू करेंगे? एडिट क्लियर कंटेंट। 80वां का बी सही जवाब है। 81वां सवाल आ गया। TCP/IP क्या है? एक तरह का प्रोटोकॉल है। OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। मैंने जो शॉर्टकट का वीडियो बनाया था, सॉरी फुल फॉर्म का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये दिया था OSI। तो 82 का सी सही जवाब है और 81 का प्रोटोकॉल सी सही जवाब है। दोनों का सी सही जवाब है। अब हम लोग 83वां सवाल पे चलेंगे। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी? इंटरनेट असल में सबसे पहले किस कंपनी का प्रोजेक्ट था? ARPA इसका सही जवाब है। 83 का ए, इसका भी मैंने फुल फॉर्म बताया था अपने वीडियो में। HTML वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 84 का सी सही जवाब है। 85वां सवाल है। द कंप्यूटर जैरगॉन WWW stands for WWW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ए सही जवाब है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, 85 का ए सही जवाब है। एक वेबसाइट फ्रंट पेज इज कॉल्ड, वेबसाइट फ्रंट पेज होम पेज होता है। 86 का सी। HTML का पूरा रूप है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ए सही जवाब है। 87 का ए सही जवाब है। 88वां क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने स्क्रीन पे। कंप्यूटर नेटवर्क इज, डी सही जवाब होगा। 88वां की बात कर रहा हूं। 88वां सवाल सेट डी, 26 तारीख कंप्यूटर साइंस का पेपर। डी सही जवाब है, ऑल ऑफ दीज। 89वां सवाल है, प्रोटोकॉल है, व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? इंग्लिश वाले सेक्शन में आते हैं। इसका ए सही जवाब है दोस्तों, एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड DTE जो भी था आगे, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है कम्युनिकेशन किस तरह से चलेगा नेटवर्क के अंदर। हम लोग 90वां सवाल पर चलेंगे। 90th क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं दोस्तों, वो बाद में आ जाएंगे। अभी जो सामने आपके आ रहा है 93वां क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेड इन 216-bit वर्ड्स ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली 16 digit। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन एग्जाम वेदा पर है, आप इसको क्वेश्चन को टाइप करें, एग्जाम वेदा उसके आगे लिखें। ये 16 digit वहां पर आंसर दिया हुआ है। 93 का ए, 94 CPU रखता है, CPU कॉन्टेंट्स। 94 सही जवाब होगा दोस्तों, 94 का सी। 95वां सवाल है। इन मोस्ट IBM PCs द CPU द डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट, इसमें से आपको ऑप्शंस बताने। सही जवाब इसका मदरबोर्ड है। ठीक है, 95वां सवाल है, सेट डी है और इसका जवाब ए है, मदरबोर्ड। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। छियानवेवां सवाल रहेगा दोस्तों ये। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ
बोथ ऑफ दीज आंसर होगा दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी इंटरनेट पर है। ए टेक्निक यूज बाई कोर्ट्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इंटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। 97 का ए सही जवाब है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एक तरह का पेरिफेरल स्क्रीन। 98 का सी सही जवाब है। निन्यानवेवां सवाल है, ए मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन डैट इज मीन्ड फॉर। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इज मीन्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। 99 का सी सही जवाब है। इस पेज के क्वेश्चन थोड़े क्लियर नहीं है। मैं When was vacuum tube invented? इसका अगर आप इंटरनेट पर देखें तो 1904 आंसर दिया हुआ है, मैंने कुछ वेबसाइट्स में भी देखा है, लेकिन 1904 ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो उसकी सबसे करीब वाला है वो 1906 है, ठीक है, तो उसके साथ जाना सही रहेगा। 100 सवाल हो गए दोस्तों, और इसके और दो तीन क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि मैं वो भी बोल देता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में बचे हुए सवाल जो रहेंगे वो करवा दूंगा। व्हाट इज़ अ फायर वॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ, बस यही पेज है जो क्लियर नहीं है। फायर वॉल क्या होता है दोस्तों, फायर वॉल वाले सवाल में जिसका 101 नंबर सवाल है सेट डी के अंदर, और इसका सही जवाब होगा सी, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है फायर वॉल। 102nd क्वेश्चन है, IETF स्टैंडर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड RFC, इसका सही जवाब होगा 102 का ए। 103रा क्वेश्चन है, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स इसका सही जवाब होगा 103 का बी, ठीक है दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पैकेट, 104 नंबर सवाल है, और इसका सही जवाब है सी, 20 बाइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो 54 अभी तक मैंने 104 नंबर तक हम लोग आ गए हैं, अगला वीडियो जो पार्ट टू होगा दोस्तों, इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी तरफ से मैंने इसके सही जवाब को कलेक्ट करने की कोशिश की है, कुछ सवाल ऐसे थे दो तीन सवाल अभी तक में जो कि डाउटफुल थे, उस पर अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने राय बता सकते हैं। जब सारे सवाल का आंसर मैं बता दूंगा अगले वीडियो को मिला करके, उसके बाद हम लोग पोल करवा लेंगे, और उसके बाद फिर एक बार एनालाइज करेंगे कि सवाल का लेवल क्या था और इसका इम्पैक्ट फाइनल जो है जो कट ऑफ है उस पर क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। STET की रिगार्डिंग बाकी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो 26 तारीख को जो बिहार STET